हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द फंडा मेकर्स। और मैं एपीएस आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फंडा मेकर्स पर, जिसमें हम लोग कर रहे हैं अभी आने वाला जो एग्जाम है उसके लिए आपका जीके की प्रिपरेशन। ज्योग्राफी के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट मैंने करा दिए हैं, पॉलिटी भी रिवाइज करा दी आप लोगों को और हिस्ट्री भी रिवाइज करा दी है। इसी के साथ साथ में आपको आज मैं पढ़ाऊंगा आपको एसटी जीके के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, राइट। तो ये इसको करना मत भूलिएगा, यहाँ से क्वेश्चन कई सारे आएंगे आपके एसटी जीके और करंट अफेयर्स। ये आपका एसटी जीके और करंट अफेयर्स मिक्स सेशन है, जिसमें आप कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड हो गए, इंपॉर्टेंट आपके ओलंपिक वगैरह से क्वेश्चन आते हैं यहाँ से आ सकते हैं, जो पूछे जाते हैं स्पोर्ट्स वगैरह से, अवार्ड वगैरह से एंड इसे बुक्स वगैरह से पूछे जाएंगे। तो ये कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे, मेनली आपका करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक जीके है, ठीक है। बात क्लियर हो गई ये चीज, चलिए शुरू किया जाए। तो अभी तक तो मुझे कोई दिख नहीं रहा है, जल्दी से आ जाइए, फटाफट जल्दी जल्दी आ जाइए तो शुरू किया जाए, राइट। चलिए फटाफट आ जाइए, साथ में शुरू किया जाए। चलो आप लोग टाइम पे आ जाएगी, टाइम पे आप लोग नहीं आते हैं क्लास में, क्लास फिर सही से शुरू नहीं हो पाती है, तो कोशिश किया करिए कि टाइम पे आ जाया करिए इसमें। अभी भी कोई नहीं दिख रहा है मुझे, चलिए तो अवार्ड्स की बात कर लेते हैं। अवार्ड्स 2021 की बात कर लेते हैं यहाँ पर, अवार्ड्स कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं आपके 2021 को। वैसे को अलग अलग तरीके के अवार्ड आते हैं यहाँ पर, स्पोर्ट्स में अलग अवार्ड दिए जाते हैं एंड बुक्स एंड ऑथर्स में अलग अवार्ड दिए जाते हैं। इसके साथ ही साथ आपका क्या बोलते हैं इंटरटेनमेंट फील्ड में अवार्ड दिए जाते हैं, राइट। और इसके साथ साथ में आपके नोबेल प्राइजेस भी हैं, ऑस्कर प्राइजेस भी हैं, बहुत सारे अवार्ड्स हैं जो प्राइजेस हैं दिए जाते हैं यहाँ से। तो चलिए शुरू करते हैं एक तरफ से हम लोग, अवार्ड्स 2021 की बात कर लेते हैं यहाँ पर। आशा भोसले, आशा भोसले जी जो है आपकी लता मंगेशकर जी की जो बहन है, उनको अवार्ड दिया गया यहाँ पर, नोट करिए गया यहाँ पर कौन सा अवार्ड दिया गया यहाँ पर, जरा बताइए फटाफट। तो आशा भोसले जी को जो अवार्ड दिया गया है, उस अवार्ड का नाम है, एक बार मैं बता देता हूं आप लोगों को, चलिए आशा भोसले महाराष्ट्र भूषण अवार्ड। यहाँ पे कौन सा अवार्ड दिया गया, महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2021 से जो नवाजा गया है, वो नवाजा गया आशा भोसले जी को। एंड इसके साथ साथ में यहाँ पे कस्तूरबा हॉस्पिटल है, यहाँ पर कस्तूरबा हॉस्पिटल को यहाँ पर जो अवार्ड दिया गया है, वो दिया गया है मणिपाल आईएमसी आरबीएम की इफिशियंसी एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है, या एक्सीलेंस ट्रॉफी 2020 प्रदान की गई है कस्तूरबा हॉस्पिटल को, राइट। फिर इसके बाद याद रखिएगा यहाँ पर डिकोडिंग शंकर यहाँ पर क्या दिया गया, एक डॉक्यूमेंट्री सेक्शन में एक बेस्ट बायोग्राफिकल फिल्म के लिए आपको अवार्ड दिया गया है, जिसका नाम है क्या, डिकोडिंग शंकर, राइट, डिकोडिंग शंकर। इसके साथ साथ में कोरियन एयर, ठीक है, एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड्स एयरलाइन ऑफ द ईयर, तो कोरियन एयर आपका एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड्स, इसका नाम है ATW को यहां पर वेस्ट एयरलाइन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है, जो कि आपका कोरियन एयरलाइन है, ठीक है। बात यहां तक क्लियर, चलिए आगे बढ़ जाते हैं इसमें, आगे देखते हैं आगे क्या क्या इसमें पढ़ना है हमको। चलो इसके साथ साथ बात करते हैं यूनियन हेल्थ मिनिस्टर यहाँ पर जो है आपके कौन है बताइए, डॉक्टर हर्षवर्धन हैं तो नहीं, थे यहाँ पर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इस समय पर आपके यूनियन हेल्थ मिनिस्टर कौन है यहाँ पर WHO के, तो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन, ठीक है, WHO डायरेक्टर जनरल स्पेशल रिकॉग्निशन अवार्ड, याद रखिएगा डायरेक्टर जनरल स्पेशल रिकॉग्निशन अवार्ड जो दिया गया है वो किसको प्रदान किया गया है, ये नोट करिएगा यहाँ पर, वो दिया गया है यूनियन हेल्थ मिनिस्टर रह चुके हैं हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन, उनको दिया गया है, ठीक है। बात इसके साथ साथ में डेविड डायोप इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021,
ठीक है बात। 2021 का बुकर प्राइस जो दिया गया, इंटरनेशनल बुकर प्राइस, वो डेविड डायफ को दिया गया है। और कौन से बुक के लिए दिया गया है? एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, इनकी एक नॉवल है, इसके लिए दिया गया है, राइट। एनटीपीसी इंडियाज बेस्ट एम्प्लॉयर्स, जो एनटीपीसी है उसको इंडियाज का बेस्ट एम्प्लॉयर्स का अवार्ड दिया गया है अमंग द नेशनल बिल्डर्स 2021, ठीक है बात। चलिए, श्यामला गणेश ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन बाय द जापानीज गवर्नमेंट। जापानीज गवर्नमेंट का एक अवार्ड होता है इंपोर्टेंट, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन, ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन। ये अगर ये पूछ जाए अवार्ड किसका है, कौन सी कंट्री ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन अवार्ड देती है, तो ऐसे भी आप इसको पढ़ सकते हैं अच्छे से, ठीक है, ऐसे भी इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन जो अवार्ड है वो किसको दिया गया है, ठीक है। क्लियर हो गई ये चीज, जरा बताइए जल्दी से फटाफट, ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन। ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन जो अवार्ड है वो जापानीज गवर्नमेंट के लिए द्वारा दिया जाता है। ये इसके हैं श्यामला गणेश, नोट कर लीजिएगा, श्यामला गणेश इज द राइट आंसर, श्यामला गणेश, ठीक है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहां से वो क्या बन सकता है, क्या क्या पॉइंट और उनको पढ़ने हैं। चलिए यहां से देख लीजिए, अनुपम खेर बेस्ट एक्टर अवार्ड फॉर हिज परफॉर्मेंस इन अ शॉर्ट फिल्म नेम्ड हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे नाम की एक फिल्म है जिसके लिए अनुपम खेर को अवार्ड दिया गया है, किसकी तरफ से, ये आपका न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, कौन सा, न्यूयॉर्क सिटी फेस्टिवल इंटरनेशनल फिल्म में जो अवार्ड दिया गया है वो दिया गया है किसको, अनुपम खेर को दिया गया है बेस्ट एक्टर अवार्ड, ठीक है, बेस्ट एक्टर अवार्ड फॉर इट्स परफॉर्मेंस। तो अगर क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल में अभी कौन से भारतीयों को अवार्ड मिला है, तो वो हो जाएंगे आपके कौन से, अनुपम खेर हो जाएंगे। या पूछ सकते हैं कि अनुपम खेर को अभी न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म में अवार्ड दिया गया है, ये फिल्म का नाम क्या है, तो यहाँ से आपके दो तीन यहाँ पे नाम भी दिए जा सकते हैं फिल्म के, राइट। तो ये हो जाएगा यहाँ से कौन सा, ये हो जाएगा बेस्ट एक्टर अवार्ड फॉर द हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, ठीक है। चलिए, डॉक्टर शकुंतला हर्क सिंह लिस्टेड 2021 वर्ल्ड फूड प्राइज अवार्ड 2021 जो दिया गया है वो किसको दिया गया है, डॉक्टर शकुंतला, ठीक है। डॉक्टर सरन कुमार लिम्बले सरस्वती सम्मन जो 2020 दिया गया है, सरस्वती सम्मन 2020 का जो अवार्ड दिया गया है वो डॉक्टर सरन कुमार लिम्बले को दिया गया है, राइट। इसके साथ साथ में नोट करिएगा, यहाँ पर साथ ही साथ नोट करिएगा, चलिए मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूँ तो नीचे, ठीक। इसके साथ ही साथ नोट करिएगा यहाँ पर जो रुमना सहगल, ठीक है, यहाँ पर आगे रुमना सहगल को जो अवार्ड दिया गया, इंपॉर्टेंट ये आपको बता रहा हूँ मैं, जितने भी इंडियन है यहाँ पर, डॉक्टर सरन कुमार हो गए यहाँ पर, डॉक्टर शकुंतला हर सिंह हो गए यहाँ पर, अनुपम खेर हो गए यहाँ पर, इसके साथ साथ में याद रखिएगा रुमन सहगल को दिया गया है नेशनल मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया गया है ये 2021 का, और कौन देता है ये, डिप्लोमेटिक मिशन ग्लोबल पीस के थ्रू ये अवार्ड यहाँ पे क्या दिया गया है इनको, रुमना सहगल को दिया गया, राइट। इसके साथ साथ में श्री अमिताभ बच्चन को 2021 में फिल्म आर्चीव अवार्ड दिया गया है बाय द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्चीव, जिनको हम लोग FIAF के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर FIAF किया तो फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, यहाँ पे पूछ देंगे कि कौन से भारतीय एक्टर हैं जिनको अभी फिल्म आर्चीव अवार्ड दिया गया है, या क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया जाएगा कि द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्चीव में फिल्म आर्चीव अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है, कौन अवार्डेड किया गया है, राइट। तो ये आपकी बात हो गई, ठीक है बात, यहां तक किसी कोई दिक्कत। चलिए चलिए शुरू किया जाए यहां से, चलो आगे बढ़ते हैं यार, अगला पॉइंट देखते हैं। इसके साथ ही हमको याद रखना है कि आपका कोनेरू हम्पी नोट करिएगा यहां पर, कोनेरू हम्पी एक इंडियन चेस प्लेयर है कोनेरू हम्पी, नाम से लग रहा होगा आप लोगों को कहीं बाहर गए हैं, बट कोनेरू हम्पी जो है वो कहां के हैं, ये इंडियन आपके चेस प्लेयर हैं, इंडियन चेस प्लेयर, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का जो अवार्ड दिया गया है वो कोनेरू हम्पी को दिया गया है। अब आपसे सवाल ये पूछा जा सकता है यहां से कि कोनेरू हम्पी किस फील्ड से ताल्लुकात रखते हैं या किस फील्ड से रिलेट करते हैं, अभी हाल ही में जिनका रिसेंटली न्यूज में थे, ऐसे करके पूछा जा सकता है। या आप पूछ सकते हैं कि बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया गया है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएंगे, कोनेरू हम्पी नाम आ जाएगा यहाँ पर। तो इस तरीका से सवाल आपसे पूछा जा सकता है, राइट।
फिर अंजू बॉबी जॉर्ज। अब अंजू बॉबी जॉर्ज किस फील्ड से है, पहला पॉइंट तो ये लिख लीजिएगा। दूसरा पॉइंट, अंजू बॉबी जॉर्ज जो है वो किस फील्ड से है, तो वो एक इंडियन एथलीट है, नोट करिएगा, सी इज अ इंडियन एथलीट। तो इनको बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है किसको, ये है आपकी अंजू बॉबी जॉर्ज, अंजू बॉबी जॉर्ज, ठीक है बात। अंजू बॉबी जॉर्ज को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ा जाए, ठीक है। इसके साथ साथ में याद कीजिए मनु भाकेर, मनु भाकेर को याद रखिएगा, मनु भाकेर को यहाँ पे इंडियन शूटर है, ये इंडियन शूटर है, ये स्पोर्ट्स में अवार्ड बता रहा हूं मैं आपको, इनको बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है मनु भाकेर को, ठीक है बात। फॉर 2019 लेट सुल्तान कबूस बिन सैयद अल सैयद ऑफ ओमान गांधी पीस प्राइज, नोट करिएगा यहाँ पर गांधी पीस प्राइज, ठीक है, 2019 के लिए लेट सुल्तान कबूस बिन सईद अल सईद ऑफ ओमान, ओमान के हैं ये, इनको अवार्ड दिया गया है। इसके साथ साथ में 2020 का जो अवार्ड दिया गया है यहाँ पर पीस प्राइज, ये दिया गया है किसको, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को गांधी पीस प्राइज दिया गया है 2020। तो 2019 का भी आपने यहाँ पे देख लिया और इसके साथ साथ में 2020 का भी आपने ये अवार्ड जो है वो देख लिया यहाँ पर कि किसको दिया गया है, राइट। 2019 का जो दिया गया है वो तो आपका ओमान के हैं सुल्तान कबूस बिन सईद अल सईद, और यहाँ पे जो बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान है ये गांधी पीस प्राइज 2020 का इनको दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे कुछ पॉइंट जो आपको याद रखने हैं वो है ये आपके सामने, चलिए चलिए। पंडित सतीश व्यास जी को जो अवार्ड दिया गया है ये नोट करिएगा, 96th तानसेन म्यूजिक फेस्टिवल जो कि आपका ग्वालियर मध्य प्रदेश के द्वारा दिया जाता है, क्योंकि ये तानसेन जी कहाँ के थे, तानसेन कहाँ से ताल्लुकात रखते थे, किस जगह से बिलोंग करते थे, तो तानसेन जी जो है वो ग्वालियर से ताल्लुकात रखते थे, तो ग्वालियर मध्य प्रदेश के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है पंडित सतीश व्यास को दिया गया 96 तानसेन म्यूजिक फेस्टिवल, राइट। चलिए अभिनव कला परिषद 96 तानसेन म्यूजिक फेस्टिवल ग्वालियर मध्य प्रदेश, ठीक है, अभिनव कला परिषद, ठीक है बात। चलिए रंजीत सिंह दिसाले नोट करिएगा, रंजीत सिंह दिसाले ये नाम कई बार न्यूज में रहा है, 2020 के ग्लोबल टीचर प्राइज का अवार्ड दिया गया है रंजीत दिसाले को, राइट, रंजीत दिसाले होगा यहाँ से। इसके साथ साथ में मोंडो डुप्लेंटिस आपके स्वीडन पोल वॉल्टर है, यहाँ पर मेल वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड दिया गया है। यूलिमर रोजिस वेनेजुएला के हैं, जो ट्रिपल जंपर हैं, जंप होती है एक लॉन्ग जंप होती है एक हाई जंप होती है, इसी के साथ में क्या होता है एक ट्रिपल जंप होती है। इस ट्रिपल जंप में फीमेल वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है यूलिमर रोजिस। अब आपसे ये पूछ सकते हैं यहाँ पर कि यूलिमर रोजिस जो है वो किस कंट्री को बिलोंग करती है, तो यूलिमर रोजिस जो है वो वेनेजुएला की है, किस फील्ड से रिलेट करती हैं ये, तो आपका ट्रिपल जंपर है मतलब क्या है, ये एथलीट है, एथलीट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो फीमेल वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2020 यूलिमर रोजिस एंड द मेल वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2020 इज द मोंडो डुप्लेंटिस स्वीडन, ठीक है, और ये पोल वॉल्टर है। गुड मॉर्निंग। चलिए आगे बढ़ते दोस्त, अगला यहां से क्या इंपॉर्टेंट चीजें पूछी जा सकती है आपसे, नोट करिएगा यहां से। चलिए उसके बाद आता है सदत रहमान इंटरनेशनल चिल्ड्रंस पीस प्राइज 2020 अवार्ड जो दिया गया सदत रहमान को दिया गया, याद रखिएगा सदत रहमान एक नाम है, सदत रहमान, और इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज यह क्या है अवार्ड हो गया यहाँ पर। इसके साथ साथ में डुगलस स्टुअर्ट को दिया गया है 2020 का बुकर प्राइज फॉर फिक्शन के लिए जो अवार्ड दिया गया है वो दिया गया है डुगलस स्टुअर्ट को। इसके साथ ही साथ संजय सिंह को 2020 गांधी अवार्ड दिया गया है और सचिन अवस्थी को ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। तो ये नाम याद रखिएगा जितने मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है, क्लियर हो गई ये चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके सामने आ सकते हैं एग्जाम में। चलो कंप्लीट रिवीजन करेंगे हम लोग आज, और जितना कोशिश करेंगे कि जितना मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपका कवर हो पाया उतना खींचने की कोशिश करेंगे। चलिए अब यहाँ पे ऑस्कर 2021 की बात कर लेते हैं। ऑस्कर 2021 में जो अवार्ड्स दिए गए हैं, जैसे कि अगर सबसे पहले देखो बहुत सारे अवार्ड होते हैं इसमें, सिनेमेटोग्राफी होता है, सिंगिंग होता है, डायरेक्टर होता है, और राइटर होता है, बहुत सारे होते हैं, सिंगर होते हैं, तो आपको सिर्फ
दो तीन मैं याद रखने हैं आपको। पहला तो मूवी पूछ देते हैं एग्जाम में जो आती है कि मूवी भाई फेमस कौन सी है, ऑस्कर किसको मिला है, कौन सी मूवी को मिला है, या कौन से एक्टर को मिला है, किस मूवी के लिए मिला है, कौन सी एक्ट्रेस वहां पर लीड रोलिंग में और किस मूवी के लिए है। ये तीन अवार्ड आपको पढ़ने हैं, सारे नहीं पढ़ने हैं, सारे एग्जाम में आते भी नहीं है, ठीक है। चलिए, तो एक्टर इन अ लीडिंग रोल विनर जो है वो है आपके कौन से, एंथनी हॉपकिंस। एंथनी हॉपकिंस यहाँ पर मेल लीडिंग रोल में है, आप एंथनी हॉपकिंस नोट करिएगा, एंथनी हॉपकिंस। अगर मूवी के नाम पूछी जाए तो द फादर, द फादर के लिए एंथनी हॉपकिंस को क्या दिया गया है, ये अवार्ड दिया गया, राइट। अगर एक्ट्रेस पूछा जाए आप लोगों से, एक्ट्रेस इन अ लीडिंग रोल विनर, तो हो जाएंगी आपकी फ्रांसिस मैकडॉरमेंड। फ्रांसिस मैकडॉरमेंड जो है वो आपका एक्ट्रेस को अवार्ड दिया गया है। और अगर मूवी का नाम पूछा जाए तो हो जाएगा नोमैडलैंड। नोमैडलैंड काफी चर्चा में रही थी इस समय पर, तो नोमैडलैंड की जो एक्ट्रेस है फ्रांसिस मैकडॉरमेंड, इनको दिया गया अवार्ड। एंड एंथनी हॉपकिंस द फादर के लिए अवार्ड दिया गया है मेल कैटेगरी में, ठीक है बात। चलिए आगे बढ़े, मूवी बताएगा कोई, आप में से कोई भी कमेंट बॉक्स में बताएगा कि कौन सी मूवी है जो अवार्ड दिया गया है, बेस्ट मूवी ऑफ द ईयर ऑस्कर अवार्ड जो दिया गया वो किसको दिया गया, जल्दी से फटाफट बताइए कोई भी। वैसे ज्यादा लोग हैं नहीं, बट जितने हैं उन्हीं में से कोई आंसर दे सकता है। चलिए सवाल पूछते ही वो भी गायब हो गए, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, जैसे सवाल पूछा वैसे वो भी गायब, चलो कोई बात नहीं आगे बढ़ते हैं। चलिए यहां से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नोबेल प्राइज के पहले बता देता हूं मैं, नोबेल प्राइज में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं पहले वो देख लीजिए आप लोग। जैसे कि अगर मैं पूछूं आपसे कि पहला नोबेल प्राइज इकोनॉमिक साइंस वाज अवार्डेड टू रैगनर फ्रिस्क एंड जैन टिम्बर्गन 1969 में आपका रैगनर फ्रिस्क को एंड द जैन टिम्बर्गन को अवार्ड दिया गया था, पहला नोबेल किस में, इकोनॉमी में दिया गया था, ठीक है बात। चलो उसके बाद याद रखिएगा द फर्स्ट नोबेल प्राइज इन फिजिक्स वाज अवार्डेड टू, फिजिक्स में जो पहला अवार्ड दिया गया था याद रखिएगा, फिजिक्स में जो पहला अवार्ड दिया गया था ये दिया गया था विल्थम रोंटगेंस को दिया गया था, जिन्होंने एक्सरे की क्या की थी, डिस्कवरी की थी। और यहाँ पे याद रखिएगा फिलिप लेनार्ड्स को दिया गया था ऑन द कैथोड रे, कैथोड रे के वर्क के लिए दिया गया था, किसको, फिलिप लेनार्ड को दिया गया था। और विल्हेम रोंटगेंस आपको दिया गया था किसके लिए, डिस्कवरी ऑफ द एक्सरेस के लिए दिया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, द फर्स्ट नोबेल प्राइज इन मेडिसिन, मेडिसिन में पहला अवार्ड किसको दिया गया था, ये दिया गया था जर्मन के एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे एमिल वॉन बेरिंग, एमिल वॉन बेरिंग को अवार्ड दिया गया था किसमें, मेडिकल में। तो देखो इकोनॉमिक्स में पहला अवार्ड अगर पूछा जाए तो रैगनर फिस्क एंड द जैन टिम्बर्गन, और फिजिक्स में पूछा जाए पहला तो विल्हेम रोंटगेंस डिस्कवरी ऑफ एक्सरेस के लिए, और यहाँ पर फिलिप के लिए, फिलिप को दिया गया था कैथोड रोज के लिए। एंड नेक्स्ट आपको नोबेल प्राइज इन मेडिसिन जो दिया गया है वो आपके जर्मन एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, इनको दिया गया है एमिल वॉन बेरिंग को, राइट। इसके बाद द फर्स्ट नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री अवार्डेड टू जैकोबस, जैकोबस एच वॉन्टहॉफ, केमिस्ट्री में जो दिया गया था जैकोबस एच वॉन्टहॉफ को ये अवार्ड दिया गया है, राइट। इसके बाद पीस के लिए बात की जाए यहाँ पर, तो पीस के लिए यहाँ पे जॉइंटली जो अवार्ड दिया गया था पहला वो हेनरी ड्यूनेंट, हेनरी ड्यूनेंट याद रखिएगा, हेनरी ड्यूनेंट जो कि आपकी फाउंडर ऑफ द इंटरनेशनल रेड क्रॉस मूवमेंट थी, फाउंडर ऑफ द इंटरनेशनल रेड क्रॉस मूवमेंट आपका हेनरी, हेनरी ड्यूनेंट इनको दिया गया। एंड द पैसिफिस्ट फ्रेडरिक पैसी, फाउंडर ऑफ द पीस लीग, फाउंडर ऑफ द पीस लीग के जो फाउंडर है यहाँ पर पैसिफिक फ्रेडरिक पैसी, इनको क्या दिया गया है, ये अवार्ड दिया गया, राइट। तो ये चीजें आपके सामने फर्स्ट जो नोबेल में हुआ है वो पूछा जाता है कभी कभी, या इनके नाम पूछ देंगे, यहाँ से यही पूछ दिया इन्होंने कि वो इज द फाउंडर ऑफ द इंटरनेशनल रेड क्रॉस मूवमेंट, तो यहाँ पर हो जाएंगे जीन हेनरी ड्यूनेंट, ये हो जाएंगे क्या आपके फाउंडर हो जाएंगे, ठीक है। द फर्स्ट नोबेल प्राइज इन लिटरेचर वॉज अवार्डेड टू सुली प्रधोम, सुली प्रधोम को दिया गया है द फर्स्ट नोबेल प्राइज इन द लिटरेचर, ठीक है। लिटरेचर के फील्ड में बात किए तो सुली प्रथम को अवार्ड दिया गया, ठीक है बात, क्लियर हो गई ये चीज। चलिए गुड मॉर्निंग प्रिंस, गुड मॉर्निंग लक्ष्मी, चलो आगे देखते हैं। चलिए अगर इंडियंस की बात की, इंडियंस के नोबेल प्राइज की बात की जाएगी, इंडियन भाई किसको किसको नोबेल प्राइज जो कब कब दिया गया है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, कभी कोई पूछ देते हैं। तो इंडिया में याद करिएगा कि पहला नोबेल प्राइज जो दिया गया था, पहला नोबेल प्राइज वो दिया गया था किसको, रविन्द्रनाथ टैगोर को, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को दिया गया था 1913 में, किसके फील्ड में, लिटरेचर, लिटरेचर के फील्ड में दिया गया था, मतलब लिखने के फील्ड में दिया गया था, किसको, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। इसके साथ साथ में सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन को दिया गया था अवार्ड, फिजिक्स में दूसरा अवार्ड दिया गया था 1930 में दिया गया था। उसके बाद कुल मिला के 38 साल के बाद, 38 ईयर्स के बाद, फर्स्ट 1913 होगा ये, क्या बोलते हैं प्रिंस,
38 ईयर्स के बाद हरगोविंद खुराना को अवार्ड दिया गया, किसमें? मेडिसिन के फील्ड में अवार्ड दिया गया। एंड मदर टेरेसा उसके बाद 11 साल के बाद 1979 ये पीस के में अवार्ड दिया गया मदर टेरेसा को, राइट। इसके साथ साथ में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ये दिया गया, फिजिक्स में अवार्ड दिया गया 1983 को, 83 में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को अवार्ड मिला, राइट। उसके बाद 1998 में इकोनॉमी में जो नोबेल मिला है वो नोबेल याद करिएगा, डायरेक्टली सवाल यहाँ से आए कई सारे एग्जाम्स में कि नोबेल प्राइज विनर पहले कौन है इकोनॉमी में इंडिया के, तो याद करिएगा ये है आपके अमर्त्य सेन 1998, ठीक है बात। इसके बाद याद रखिएगा लिटरेचर के फील्ड में जो अवार्ड मिला है 1913 के बाद सीधे फिर मिला है 2001 में, अराउंड ये 88 साल के बाद, 88 ईयर के बाद, और वो दिया गया किसको? सर विद्याधर सूरज प्रसाद नईपोल को 2001 में आपका नोबेल प्राइज दिया गया लिटरेचर में, राइट। इसके बाद वेंकट रमन रामकृष्णन इनको केमिस्ट्री में प्राइज मिल चुका है 2019 में, और इसके साथ साथ में कैलाश सत्यार्थी को 2014 में अवार्ड मिला है नोबेल पीस प्राइज, किसके लिए? पीस के लिए मिला है। और इसके साथ याद रखिएगा फटाफट बताइए विनायक बनर्जी को मिला है नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स 2019 में, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, आप याद कर लीजिएगा इसको। पहला आपका मिला था आपका किसमें? इकोनॉमिक्स में किसको दिया गया था? अमर्त्य सेन को दिया गया था। इसके साथ साथ में विनायक बनर्जी, तो दो लोग हो गए आपके किसके? इकोनॉमिक्स में हो गए। फिजिक्स में भी कितने लोग हो गए? दो लोग हो गए, यानी कि चंद्रशेखर वेंकट रमन 1930 और इसके साथ साथ में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। दोनों नाम देखो, चंद्रशेखर यहाँ भी कॉमन है, चंद्रशेखर यहाँ भी कॉमन है, कितने इत्तेफाक की बात है ये थोड़े से इत्तेफाक के बाद हो गए कि चंद्रशेखर यहाँ भी कॉमन है एंड चंद्रशेखर यहाँ भी कॉमन है, ठीक है। तो 1930 एंड 1983, ठीक, ये नोट कर लीजिएगा यहाँ पर। इसके साथ साथ में अगर पीस की बात करूं, सॉरी लिटरेचर की बात करूं, लिटरेचर में भी दो लोगों को मिल चुका है, ठीक है। ये आप देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर एंड यहाँ पे सर विद्याधर सूरज प्रसाद नईपोल, इनको भी मिल चुका है, राइट। तो ये इंडिया के कुछ नोबेलिस्ट हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े जाए, आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके बाद 2021 में देख लीजिए, 2021 में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। 2021 में फिजियोलॉजी और द मेडिसिन 2021 अवार्ड मिला है डेविड जूलियस एंड एडम पैटापोटियन ऐसे करके प्रोनाउंस करेंगे दो में, इंग्लिश में थोड़ा अजीब हो जाता है ये, राइट। फिजियोलॉजी और मेडिसिन 2021। इसके बाद फिजिक्स 2021 में शुकोरो मनावे एंड द क्लॉस हैसलमैन, ठीक है, शुकोरो मनावे एंड द क्लॉस हैसलमैन, ठीक है, जियोर्जियो पैरिसी, ठीक है। एंड केमिस्ट्री 2021 में बेंजामिन लिस्ट एंड द डेविड डब्ल्यू सी मैकमिलन इनको अवार्ड मिला है, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिएगा यहाँ से, फिजियोलॉजी में यानी कि मेडिसिन में मिला है अवार्ड, फिजिक्स मिला है, केमिस्ट्री में मिला है, तो ये नोट करिएगा नोबेल प्राइज 2021, ठीक है। चलो आगे बढ़े, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं करा रहा हूँ, सारे आपको करा ही नहीं रहा हूँ, सारे मैं करा भी नहीं पाऊंगा। अगर यहाँ पे अवार्ड ही कराने बैठ गया वर्ल्ड के पूरे अवार्ड, तो भाई साहब दो दिन लग जाएंगे आपको अवार्ड समझाते हुए। इतनी सेरेमनीज होते हैं, इतने अवार्ड फंक्शंस होते हैं, इतने सारे अवार्ड दिए जाते हैं, तो दो दिन लगेंगे सिर्फ अवार्ड पढ़ाने में। तो जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो बताए जाते हैं, इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि जो लगता है इंपॉर्टेंट है, ठीक है बात। कोई चीज इंपॉर्टेंट होती नहीं है, कोई चीज खराब नहीं होती है, या तो खराब लगती है या इंपॉर्टेंट लगती है। और जो लगती है ये किससे पता चलता है, कैसे लगता है? ये एक्सपीरियंस से पता चलता है, ठीक है बात। अब रसगुल्ला अच्छा लगता है, क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि खाया होगा इसलिए अच्छा लगता है, ठीक है बात। मिर्च तीखी लगती है, क्यों तीखी लगती है? क्योंकि मिर्च तीखी है भाई, खा के देख चुके हो। अब रसगुल्ला भी नहीं खाया, मिर्च भी नहीं खाया, आपसे करे खाओ तो आपको कैसे बताओगे कौन सी अच्छी है कौन सी खराब है? बताओ जरा हमें एक बार, नहीं बता पाओगे ना कौन सी अच्छी है कौन सी खराब है। तो उसके लिए थोड़ा सा एनालिसिस चाहिए होती है, उसी के लिए टीचर बैठा होता है कि एनालिसिस करके आपको बताए कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। वो बताएगा आपको, भाई नहीं है जो सफेद वाली चीज आपको दिख रही है ये मीठी है, इसको खाइए, और ये लाल कलर की जो मिर्ची लग रही है ये तीखी है, इसको मत खाइए। और पता लगा दोनों मिला के खा गए तब तो और दिक्कत है कि बाद में मुंह मीठा करने के लिए भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, फिर आगे देखते हैं वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड कैटेगरी में, लॉरिस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड कैटेगरी में जो आपका, देखिए अलग अलग कैटेगरीज होती है स्पोर्ट अवार्ड की। पहले तो हम लॉरिस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड कैटेगरी की बात कर लेते हैं यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पे पहला जो अवार्ड है वो नोट करिएगा, वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर, ये आपका राफेल नडाल को दिया गया है। राफेल नडाल किससे संबंधित है? ये टेनिस से संबंधित है, राइट, टेनिस से संबंधित है। इसके साथ साथ में नोट करिएगा वर्ल्ड स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर, ये नाओमी ओसाका को दिया गया है। ये भी किससे संबंधित है? ये रिलेटेड है किससे? टेनिस से रिलेटेड है। इसके साथ में वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर, ये आपका फुटबॉल की टीम है बैयर्न म्यूनिख, म्यूनिख की टीम है बैयर्न म्यूनिख फुटबॉल, ये आपका
वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर, इसके साथ साथ में वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर जो दिया गया है वो पैट्रिक महोमस को दिया गया है, फुटबॉल में दिया गया है, एंड वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर मैक्स पैरेट, स्नो बोर्डिंग जो होती है, स्नो बोर्डिंग बर्फ पे जो बोर्डिंग करते हैं, ये मैक्स पैरेट है, इनको दिया गया अवार्ड वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर, एंड इसके साथ एक्शन स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर, ये अभी तक अवार्ड नहीं दिया गया है, अगर दिया गया हो तो न्यूज में देख लीजिएगा, अभी तक तो नहीं दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए, चलिए दादा साहब फाल्के अवार्ड रेसिपिएंट्स, दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको किसको दिया गया है ये नोट कर लीजिएगा, दादा साहब फाल्के अवार्ड, ठीक है। चलिए 2016 की बात करें तो 2016 में जो दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया था ये के विश्वनाथ को दिया गया था, तेलुगु लैंग्वेज में तेलुगु मूवीज के लिए दिया गया था, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है दिस इज द हाईएस्ट इंडियन अवार्ड इन द कैटेगरी ऑफ द सिनेमा, इन द फील्ड ऑफ द सिनेमा, राइट। ये हो गई आपकी बात, तो दादा साहब फाल्के अवार्ड रेसिपिएंट्स ये आपका हो जाएंगे 2016 के विश्वनाथ तेलुगु। 2017 की बात करें तो विनोद खन्ना जी को मिला था 2017 में हिंदी सिनेमा के लिए, ठीक है बात। 2018 में मिला है अमिताभ बच्चन जी को, ये इनको जिंदा रहते मिल गया, हिंदी सिनेमा में मिला हुआ है। 2019 में मिला है महेश बाबू एक तेलुगु एक्टर है, इनको दिया गया है दादा साहब फाल्के अवार्ड, एंड 2020 में मिला है किसको, ऋतिक रोशन को हिंदी के लिए मिला है। चलिए बताइए 2021 में किसको दिया गया है, 2021 में ये अवार्ड किसको दिया गया है, कौन ऐसे हैं जिनको 2021 का ये दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया है, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये अवार्ड किसको दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, फीफा वर्ल्ड कप की बात कर लेते हैं। फीफा वर्ल्ड कप से कुछ सवाल बन सकते हैं, कभी कभी पूछे जाते हैं। रिसेंटली अभी क्वेश्चन ऐसे पूछ दिए गए थे कि भाई कितने गोल हुए, कौन जीता है, ठीक है, ऐसे करके सवाल आपसे पूछे जाते हैं, राइट, या कौन रनअप रहा है, कौन सी कंट्री जीती है। तो सबसे पहले एक एक करके देख लेते हैं। पहली बात तो ये जान लो कि ये जो होता है फीफा वर्ल्ड कप जो होता है ये आपका 4 साल बाद होता है, 14, 18, 22, ठीक है, 14, 18, 22। मेंस का अलग होता है और वुमेन्स का क्या होता है, अलग होता है, वुमेन्स का अलग होता है, मेंस का अलग होता है, वुमेन्स का अलग होता है, और 4 साल के बाद होता है, ठीक है, 4 साल के बाद होता है, ठीक। चलिए फीफा वर्ल्ड कप होस्ट नेशंस की बात करें, पहले तो ये पूछेंगे कि ये हुआ कहाँ पे, तो 2014 की बात की जाए तो 2014 वाला जो हुआ है वो ब्राजील में हुआ है फीफा वर्ल्ड कप, ठीक है बात। ब्राजील के साथ साथ में आपकी जो विनर कंट्री है वो कौन सी है, जर्मनी है, और रनरअप जो रही है वो है अर्जेंटीना है, राइट। इसके साथ साथ में 2018 में जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ है ये रशिया में हुआ था, एंड ये इसके फीफा वर्ल्ड कप के जो विनर रहे हैं वो रहे हैं कब, फ्रांस यहाँ पे विनर था, और जो क्रोशिया थी वो यहाँ पे हार गई थी, किससे, फ्रांस से, तो क्रोशिया इज द रनरअप। एंड यहाँ पर अगला फीफा वर्ल्ड कप कब होगा तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है, तो 2022 कतर में अगला फीफा वर्ल्ड कप होगा, 2022 कतर, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर फीमेल्स की बात कर रहे थे, जस्ट इसके एक साल बाद क्या होता है, फीमेल का होता है, अगली साल ही होता है, तो 2015 का कैनेडा में हुआ था, जीता था यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है बात, यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, और अगर यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। चलिए इसके साथ साथ में आप याद रखिएगा 2019 का क्या हुआ था आपका, ये जगह के नाम है वहां पर कौन से स्टेडियम में हुआ था, ठीक है, जीता था कौन, यूनाइटेड स्टेट यहाँ पर, और 2020 ऑस्ट्रेलिया एंड द न्यूजीलैंड में हुआ था, ठीक होगा, मतलब ऑस्ट्रेलिया एंड द न्यूजीलैंड में होगा, राइट। चलो आगे देखते हैं, यहाँ से आगे कुछ है ही नहीं इस पे। चलिए टोक्यो ओलंपिक की बात कर लेते हैं, ओलंपिक में कुछ आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको याद रखिएगा, राइट। जैसे कि आपका ये कौन सा ओलंपिक था आपसे पूछा जा सकता है, तो ये 32nd समर ओलंपिक गेम्स था। ओपनिंग की बात की जाए तो ओपनिंग इसकी कब हुई थी, ओपनिंग यानी कि कब ये ओपन हुआ, तो ओपनिंग इसकी होती है बेटा कब, 23 जुलाई 2021 को, 23 जुलाई 2021 को इसकी ओपनिंग होती है, क्लोजिंग होती है 8 अगस्त को होती है। कुल मिला के कितने दिन चला, 8-16 दिन, 16 डेज का ये प्रोग्राम था, प्रोग्राम नहीं कह सकते इसको, 32nd समर ओलंपिक गेम्स थे यहाँ पर। होस्ट सिटी कौन सी सिटी में हुआ है, तो ये टोक्यो जापान में हुआ है, ठीक है बात। इसके बाद मोटो क्या था, यूनाइटेड बाय द इमोशन, इमोशन से यूनाइटेड होंगे, ये इनका मोटो था। एंड यहाँ पर कितने लोगों ने, कितने नेशन ने या कितने राष्ट्र ने, कितने देशों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है, तो वो हो जाएंगे आपके 205, 205 नेशंस ने क्या किया है यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। इसके साथ साथ में 20 था, तो यानी कि 4 साल के बाद होगा ओलंपिक, और ये ओलंपिक होगा आपका कहां पर, पेरिस फ्रांस में होगा, राइट। और कितने एथलीट ने यहां पर पार्टिसिपेट किया है, ये एक पॉइंट बनता है, तो टोटल नंबर ऑफ एथलीट जो पार्टिसिपेट किए हैं वो हो गए, यहां जाएंगे 11,090 एथलीट ने पार्टिसिपेट किया है, बहुत बड़ी संख्या हो जाती है, ठीक है, 11,090।
ठीक है, और कितने स्पोर्ट्स यहाँ पर थे ओलंपिक्स में इस बार, तो 33 कुल मिला के स्पोर्ट्स थे। इन 33 स्पोर्ट में 11,090 पीपल्स ने क्या किया है, पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, ओपन्ड बाय किसने ओपन किया, ये इसने ओपन किया, ओपन्ड बाय द एम्परर नारुहितो, एम्परर नारुहितो ने क्या किया, ओपन किया है। अगर कॉल्ड्रन की बात की जाए तो वो थी नौमी ओसाका की बात करें, स्टेडियम की बात करें तो वो ओलंपिक स्टेडियम में हुआ है। और फ्लैग बेयरर ओपनिंग सेरेमनी में जो इंडिया की तरफ से थे वो थे मनप्रीत सिंह एंड द मैरीकॉम, मैरीकॉम एंड मनप्रीत सिंह यहाँ पर क्या थे, फ्लैग बेरर थे, झंडा रोहक थे, यहाँ पर झंडा धावक थे यहाँ पर ओपनिंग सेरेमनी में। राइट, तो ओपनिंग सेरेमनी पूछते हैं और क्लोजिंग सेरेमनी पूछते हैं, तो क्लोजिंग सेरेमनी में कौन हो जाएगा, क्लोजिंग सेरेमनी में हो जाएंगे यहाँ पर कौन से, बजरंग पूनिया, बजरंग पूनिया जो हो जाएंगे वो किसमें हो जाएंगे, क्लोजिंग सेरेमनी में हो जाएंगे, फ्लैग बेरर क्लोजिंग सेरेमनी हो जाएंगे बजरंग पूनिया जी। राइट, बजरंग पूनिया, ठीक है, बात यहां तक क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है आई थिंक। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं पॉइंट यहां पर। चलिए, इसके अलावा याद रखिएगा कौन सी कंट्री ने सबसे ज्यादा मेडल्स जीते, अगर आपसे ये पूछा जाए तो कंट्री ने कौन से सबसे ज्यादा मेडल्स जीते यहां पर, मोस्ट ओलंपिक मेडल्स बाय कंट्री 2021, वो कौन सी कंट्री थी जिसने सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं यहाँ पर, टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे ज्यादा मेडल जीतने वाली कंट्री कौन सी है, बताइए जल्दी से। सबसे ज्यादा मेडल जीतने वाली कंट्री कौन सी है, चलिए कोई भी आंसर अभी तक मुझे नहीं मिला है, चलिए ऑप्शन दे देता हूं, यूएसए, चाइना, रसिया, इंडिया, इंडिया तो कतई नहीं होगा, यूएसए, चाइना, रसिया, इंडिया। ठीक है, इंडिया में भी इतने रिसोर्सेज भी कह सकते हो, लोगों का इंटरेस्ट भी इतना नहीं रहता है, हर कोई तो जॉब के पीछे भाग रहा है, स्पोर्ट्स कितने ही लोग करना चाहते हैं, स्पोर्ट्स अगर कोई खेलता भी है तो ये हो जाता है कि भाई अरे यार रसिया, रूस नहीं, यूएसए, यूएसए, यूएसए। ठीक है, इंडिया में यही है ना, अगर कोई स्पोर्ट्स को खेलता भी है तो क्या बोलते हैं, बिगड़ गया लड़का यार, अब नहीं इसका कुछ हो सकता है, ये तो पढ़ाई लिखाई नहीं करता है। ठीक है, ये नहीं होता है, तो बहुत अब लोग सपोर्ट करने लगे हैं, अभी से कुछ साल पहले जाएंगे तो कोई सपोर्ट ही नहीं करता था। ठीक है, स्पोर्ट्स में सपोर्ट नहीं करते, अगर कोई खेल भी रहा है तो वो रुक जाता है, बोलिंग भाई ट्वेल्थ ले, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में अच्छे नंबर लेके आ, और कॉमर्स में नंबर अच्छे लेके आ, और उसके बाद इलेवन ट्वेल्थ में बढ़िया पढ़ाई कर, तैयारी कर, और तैयारी करने के बाद क्या करो, या तो अच्छा कॉलेज लो। ठीक है, बड़ा झूठ बोलते हैं घर वाले यार, जब देखा जाए तो घर वाले यार, समाज वाले जितने भी हैं बहुत झूठ बोलते हैं। ठीक है, जब फोर्थ फिफ्थ में क्लास में रहो तब ये था कि अच्छे स्कूल में पहुंच जाओ, सिक्स सेवन्थ में पहुंच जाओ, मतलब अच्छा नवोदय वगैरह में पहुंच जाओ तो लाइफ सेट, एकदम नौकरी लेके निकलोगे एकदम से बढ़िया, करोड़पति बन के निकलोगे, लगा भाई एकदम से भाई चलो पहुंच जाते हैं, वहां पहुंचे तो लगा कहानी कुछ और है, अभी तो हाई स्कूल पास करना है, तो लगा हाई स्कूल में भाई साहब 90% प्लस नंबर लेके आ जाओ तो एकदम लाइफ सेट है, टॉप कर गए तो भी लाइफ सेट है। ठीक है भाई, वो भी ले आए, 90% नंबर भी आ गए, फिर उसके बाद आता है कि अभी नहीं, अभी तो आपको 11th 12th pass करना है, 12th में अच्छे नंबर लेके आओगे, अच्छी स्ट्रीम लोगे। ठीक है बात, सर प्रिंस को बहुत कटाया घर वालों ने बोल के, ठीक है कोई नहीं, तो ये यही होता है ना भाई, देख लो मैं खुद जो सबके साथ होता है वही बता रहा हूँ। ठीक है, फिर होता है 12th में अच्छे नंबर ले आओ, बेहतरीन मतलब 90-95% ले आओ, अच्छे कॉलेज तुम्हें बाहें खोल के तुम्हारा स्वागत करेंगे, पता लगा 12th नंबर ले आए कि अभी कंपटीशन निकालना है, जेई वगैरह निकालना है, ट्रिपल ई निकालना है, नीट निकालना है, मेडिकल के एग्जाम देना है। ठीक है भाई, एग्जाम दे लिए, एग्जाम देने के बाद पहुंच गए कॉलेज, कॉलेज पहुंचने से पहले लगता है कि यार कम से कम भाई साहब, घर वाले सोचते हैं कि अगर कॉलेज पहुंच रहा है बंदा तो 60-70 lakh का पैकेज लेके आएगा। ठीक है, क्या ये सच्चाई होती है, सारी कॉलेजों में क्या पैकेज मिलता है इतना, नहीं, कुछ लोग होते हैं जिनको मिलता है 1 crore, 1.5 crore, 70 lakh, 80 lakh, 25 lakh, 30 lakh, लेकिन घर वालों को तो यही लगता है, उनको मिल सकता है तो हमारा लड़का कहीं नहीं ला सकता है। ठीक है, तो वहां भी बात खत्म हो गई, उसके बाद फिर क्या होता है, तो जॉब आपकी तैयारी करो, गवर्नमेंट एग्जाम तैयारी करो, फिर ये एग्जाम वो एग्जाम, ये एग्जाम वो एग्जाम चलता रहता है, सेट हो गए तो अच्छी बात है, नहीं सेट हो गए तो भाई सब लगे रहो। ठीक है, हाँ बीच में शादी की बात शुरू हो जाएगी, अभी तक क्या कर रहे हो, और धोखे से कहीं अगर पड़ोस वाला कोई निकल गया एग्जाम में, अगर पड़ोस वाला कोई एग्जाम निकल गया किसी का धोखे से, तो भाई साहब समझो जीना हराम हो गया। ठीक है, तुम नहीं कर सकते कुछ, क्या कर रहे हो, पढ़ाई नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो बगल वाले से देखो, बगल वाला लड़का जो बैठता था वो गुल्ली डंडा खेलता था, उसका एग्जाम निकल गया। ठीक है, तो ये लोग बोलेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
अपना काम करते रहिए ईमानदारी से, मेहनत से करते रहिए, जो भी करिए अपनी ईमानदारी से करिए। जो भी आपको लगता है कि आप उसमें व्यस्त हो उस चीज की तैयारी करो। आपको लगता है कि आप मैथ्स में अच्छे हो तो मैथ्स का करो, जीएस में हो तो जीएस के एग्जाम से टारगेट करो, ऐसे करके आप कर सकते हो। ठीक है, पेरेंट्स को समझाना, पेरेंट्स ऑलरेडी, पेरेंट्स देखो ये पता है बोलना नहीं चाहिए मुझे, बट इंडियन पेरेंट्स जो होते हैं ना वो ऑलरेडी समझदार होते हैं। उनको लगता है कि पेरेंट्स बन गए तो मतलब हम समझदार हैं। ऐसा नहीं है कि समझदार हमको समझना है कोई चीज, या हमको सुननी है कोई चीज, नहीं नहीं नहीं, वी आर पेरेंट्स, वी आर पेरेंट्स मतलब हम पेरेंट्स हैं, हम माँ बाप हैं, और हम क्या है, समझदार है। लड़का जो है वो बेवकूफ है, ठीक है, एक इंजीनियरिंग करके लड़का पूरा एमटेक बीटेक करके बैठा हुआ है, वो कोई अगर चीज बोले तो नहीं, ठीक है, क्योंकि वो पेरेंट्स है, वो ऑलरेडी समझदार है, या हो सकता है उनको चिंता रहती है आपकी इसलिए बोलते हैं, लेकिन हाँ समझाना भी तो आपका काम है, आप ही समझाएंगे उनको। ठीक है, चलो शादी करने, शादी करने की जल्दी कहाँ हो रही है, शादी करने की जल्दी कहाँ होगी, पहले कुछ कर तो लो जिंदगी में बेटा, शादी तो बाद में करना, शादी तो पहले भी लोग कर लेते थे 16-17 साल की उम्र में, फिर जिंदगी भर मजदूरी करते रहते थे, बच्चों का पेट पालते रहते हैं, खेती करते रहते हैं, उससे क्या ही फर्क पड़ रहा है। शादी तो आपका अपना डिसीजन होना चाहिए, जब आप लगे सेटल हो गए हो, जब आप पास एक्स्ट्रा पैसे की इनकम होने लगी है तब कर लेना शादी, वरना ऐसे ही रहो मजे में रहोगे। चलो, मोस्ट ओलंपिक मेडल्स जो जीते हैं वो किसने जीते हैं, यूएसए ने जीते, यूएसए 113, यूएसए ने जो मेडल जीते हैं वो 113 जीते हैं, 39 गोल्ड, 41 सिल्वर एंड 33 ब्रॉन्ज। ठीक है, ये इंडिया के कई सालों के मिला लिए जाए तब इतने बराबर होंगे यहाँ पर। ठीक है, नंबर ऑफ प्लेयर्स पार्टिसिपेटिंग इन ओलंपिक 2020 फ्रॉम इंडिया, इंडिया से जो लोग गए थे 127, तब भी यार पहले से बहुत बेहतर कर रहे हैं हम लोग ओलंपिक में। पहले तो एक आध मेडल आता था, एक आध मेडल लेके इंडिया आ गई तो बहुत बड़ी बात हो जाती थी ओलंपिक में, लगता था देश लेके चलाया, देश का हर नागरिक मेडल लेके चलाया है। ठीक है, जैसे तो अभी इंडिया ने बहुत अच्छा करना शुरू कर दिया है और बहुत अच्छे अच्छे लोग निकल के आए यार, 127 यहाँ पर, आगे फ्यूचर अच्छा है। 127 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, 18 स्पोर्टिंग इवेंट पार्टिसिपेट किया था, कुल मिला के 33 स्पोर्ट थे। अब सोचो यार, यहाँ से सोचने वाली बात, यहाँ से देख लो कुल मिला के कितने स्पोर्ट इवेंट थे, कितने स्पोर्ट इवेंट थे, 33 थे ना, पूरे 33 थे ना ओलंपिक में। इंडिया में कितने स्पोर्ट इवेंट में पार्टिसिपेट किया, 18 स्पोर्ट इवेंट में तो पार्टिसिपेट किया है, 15 इवेंट तो 15 नहीं है, 25 हो गए, नहीं 15 हो गए, 15, 18, 33, 15, 18, 33, तो 15 इवेंट तो ऐसे बचे हुए हैं जिसमें भाई साहब पार्टिसिपेशन ही नहीं हुआ, कोई है ही नहीं खेलने वाला उनमें, या क्वालिफाई नहीं कर पाए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, टोटल मेडल्स वन बाय इंडियन ओलंपिक्स 2020, 7 मेडल्स जीते हैं इंडिया ने, 1 गोल्ड जीता है भाला फेंक में, ठीक है, नीरज जी ने, एंड 2 सिल्वर जीते हैं, 4 ब्रॉन्ज जीते हैं। ठीक है, 1 × 2 × 4, बढ़िया। फर्स्ट गोल्ड मेडल मेडलिस्ट ऑफ टोक्यो 2020 ये थे यांग क्यूआन, यांग क्यूआन जो थे पहले गोल्ड मेडलिस्ट थे आपके टोक्यो ओलंपिक के, 10 मीटर एयर राइफल में चाइना की तरफ से इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर, फर्स्ट मेडलिस्ट ऑफ टोक्यो 2020 फ्रॉम इंडिया, ये आपकी पहली मेडलिस्ट जो आपकी इंडिया से थी वो थी कौन, मीराबाई चानू, मीराबाई चानू 49 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग में थी, यहाँ पर नोट करिएगा। मेंबर ऑफ मैक्सिमम गोल्ड वन बाय इंडिविजुअल इन ओलंपिक 2020 ये थे कैलेब ड्रेसल, कैलेब ड्रेसल यहाँ पर थे, 5 गोल्ड जीते इन्होंने अकेले, अकेले बंदा 5 लेके चलाया, 5 गोल्ड। इससे पहले माइकल फ्लेप्स एक हुआ करते थे जब हम लोग छोटे थे, तब उन्होंने करामात की थी, 6 गोल्ड लेके आते आई थिंक वो स्विमिंग में, क्या क्या स्विमिंग करते मस्त। ठीक है, ये आपके कैलेब ड्रेसल है, 5 गोल्ड स्विमिंग यूएसए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके साथ साथ एक चीज और याद रखिएगा, द 2020 गेम्स आर द 4th ओलंपिक गेम्स टू बी हेल्ड इन जापान, जापान में ये जो हुए हैं ये 4th ओलंपिक गेम्स हुए हैं जो 2020 में हुए, इससे पहले 3 और हो चुके हैं। ठीक है, बात पहले हुआ था टोक्यो 1964 में हुआ था, फिर सपोरो विंटर ओलंपिक्स हुए थे 1972 में हुए थे, एंड नागानो 1998 ये भी विंटर गेम्स हुए थे, तो 3 ओलंपिक्स ऑलरेडी जापान में हो चुके हैं और यहाँ पर 4th जो हुआ है वो 2020 में हुआ है। ठीक, तो ये तो हो गई कुछ ओलंपिक से न्यूज हो गई, चलो आगे देखते हैं। यहाँ पर नीरज चोपड़ा को जो अवार्ड मिला है, नीरज चोपड़ा ने जो मेडल जीता है वो जीता है किसमें, जैवलिन थ्रो में जीता है, गोल्ड मेडल जीता है, राइट। साइखोम मीराबाई चानू ये वेट लिफ्टिंग 49 किलोग्राम सिल्वर में जीता है, रवि कुमार दहिया रेसलर है ये 57 किलोग्राम कैटेगरी में सिल्वर जीता है इन्होंने, एंड पीवी सिंधु बैडमिंटन में ब्रॉन्ज जीता है, एंड लोवलिना बार्गोहेन जो बॉक्सर है ये वुमेन्स वेल्टर वेट यहाँ पे ब्रॉन्ज जीता है इन्होंने, एंड द मेन्स हॉकी ने भी यहाँ पर मेडल जीता कई सालों के बाद, वो कौन जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। एक टाइम पर मेन्स हॉकी इंडिया का हॉकी क्यों बना था, इंडिया ने अपना नेशनल गेम हॉकी क्यों बनाया, सपना थोड़ी ना आया था,
इतनी बार भाई साहब 8 बार गोल्ड मेडल लेके आएंगे ओलंपिक में, तो बनाना ही पड़ेगा ना लगातार वो भी। बजरंग पुनिया, बजरंग पुनिया क्या है, रेसलर है यहाँ पर, इन्होंने 65 किलोग्राम वेट कैटेगरी में भी ब्रॉन्ज जीता है। तो ब्रॉन्ज वाले हो गए हमारे पास कितने लोग, 4 लोग हो गए, सिल्वर वाले हो गए यहाँ पर 2 हो गए, एंड गोल्ड वाले हो गए यहाँ पर 1। तो 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 7 ठीक है। चलो ये तो हो गई इंडिया की न्यूज, हो गई आगे बढ़ते ठीक है। उसके अलावा कुछ अपकमिंग इवेंट्स हैं वो देख लीजिए कि कहां कहां पर होने हैं। कई बार इनके वेन्यू भी पूछ दिए जाते हैं, इंपोर्टेंट इवेंट्स एंड देयर वेन्यूज, वेन्यूज पूछ दिए जाते हैं भाई कहां पर होंगे या कहां पर हुए थे, ऐसे करके सवाल पूछा जा सकता है। तो हमेशा जब तैयारी करिएगा कभी भी याद करिएगा, एक पहले का, एक प्रेजेंट का जो वेन्यू जहां पे हुआ है, और एक जो आने वाला है किस जगह पर होगा, ये आप अच्छे से क्या कर लीजिए, इनको तैयार कर लीजिए, पढ़ लीजिए, यहां से क्वेश्चन बनते बनते हैं ठीक। चलिए समर ओलंपिक की बात की जाए तो 2021 नहीं 2020 का था लेकिन हुआ 21 में है ये, टोक्यो जापान में हुआ ठीक है। बात 2024 का कहां पर होगा, ये पेरिस फ्रांस में होगा, पहले ही बता देते हैं कि किस जगह पर होगा, बहुत पहले अनाउंस कर देते हैं। 2028 का लॉस एंजलिस में होगा यूएसए में, एंड 2032 का होगा कहां पर, ऑस्ट्रेलिया में। इंडिया मतलब 2032 तक तो इंडिया में तो नहीं होना है ठीक। चलिए इंडिया को वो इतना ज्यादा अभी नहीं मानते हैं कि इंडिया में होने लगे, तो अभी सिटीज वगैरह डेवलप हो रही है, इंडिया डेवलप कर रहा है, क्लीन सिटीज में भी आएंगे। तो देखो बहुत सारे फैक्टर होते हैं, कहीं पे ओलंपिक कराने का या कहीं पर टूरिस्ट के आने का या किसी देश का पार्टिसिपेट करने का। पहली चीज तो होती है वहां पर टेररिज्म वगैरह कितना है, टेररिज्म तो नहीं है, पीस इंडेक्स में कितना नाम है, हैप्पीनेस इंडेक्स में वहां पे कितना नाम है, कितना वहां पे लोग हैं, ऐसे करके कई सारी चीजें देखी जाती है। उसके बाद डिसाइड किया जाता है कि किस जगह पर ये ओलंपिक्स होंगे राइट। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं है, इतना करा पाएंगे नहीं करा पाएंगे। चलिए विंटर ओलंपिक की बात करें तो 2020 में जो होने वाला है वो बीजिंग चाइना में होगा, बीजिंग चाइना में होगा आपका 2020 विंटर ओलंपिक, एंड 2026 का होगा मिलान एंड द कॉर्टिना इटली में होगा राइट, इटली में होगा 2026 का होगा ठीक। एशियन गेम्स की बात की जाए, एशियन गेम्स कहाँ पे होंगे, ये 2020 का जो एशियन गेम्स होने वाला है ये हांगझाऊ चाइना में होगा, मतलब बीजिंग चाइना में ओलंपिक भी हो रहा है 2022 का, और एशियन गेम्स भी कहाँ हो रहे हैं, ये भी कहाँ पर हो रहे हैं, चाइना में हो रहे हैं ठीक है बात। चलिए तो ये आपका काम हो गया हांगझाऊ चाइना हो गया, एंड 2026 का जो एशियन गेम होगा ये भी 4 साल बाद होगा, ये नगोया जापान में होगा, जापान, तो ये भी जापान में है राइट। इसके अलावा नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया, जो नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया है 2020 का कहां हुआ, गोवा में हुआ ठीक है, एंड 2021 का जो होगा 37वां नंबर का है ये कहां पर होगा, छत्तीसगढ़ में, 2022 का उत्तराखंड में, और 2023 का कहां पर होगा, मेघालय में होगा। तो ये तो नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया की बात हो गई राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, फीफा वर्ल्ड कप की बात कर लेते हैं। तो फीफा वर्ल्ड कप भी बताया था मैंने 2021 कहां पे होगा, 22 कहां होगा, कतर में होगा, कतर राइट। 2026 का कहां पे हो रहा है, कनाडा मेक्सिको में हो रहा है, कनाडा मेक्सिको यूएस में हो रहा है राइट। फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप कहां पे हो रहा है, 2022 का होगा, वुमेन्स का इंडिया में होगा, वुमेन्स का कहां पर होगा, अंडर 17 की बात कर रहे हैं, अंडर 17 वर्ल्ड कप फीफा का 2020 का वुमेन्स का कहां पर होगा, इंडिया में होगा, एंड 2021 का जो मेन्स का है ये कहां पर होगा, ये पेरू में होगा, कहां पर होगा, पेरू एक जगह है, पेरू में होगा ठीक है, पेरू। क्लियर हो गया ये चीज। चलिए वर्ल्ड गेम्स की बात की जाए तो वर्ल्ड गेम्स 2020 के कहां होंगे, बर्मिंगम में होंगे, बर्मिंगम यूएस में होंगे, एंड कॉमनवेल्थ गेम्स की बात की जाए तो 2020 के ये भी बर्मिंगम में होंगे, यूके में ठीक है, एंड 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 कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स की बात की जाए तो हो जाएंगे ट्रिनिडाद एंड टोबैगो में होंगे कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स, एंड द वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप, वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप ये कहां पे होने वाली है, ये होगी आपकी 2022 की होगी यूगिन ऑर्गन यूएस में होगी, एंड 2023 की बुदापेस्ट हंगरी में होगी ठीक है, वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप, एंड इसके साथ साथ में कॉमनवेल्थ आर्चरी एंड द शूटिंग चैंपियनशिप। चलो कुछ तो इंडिया में आया, एक बार कॉमनवेल्थ आया था, आप लोगों को नहीं याद होगा, आप लोग वहां पे उस टाइम पर शायद छोटे रहे होंगे, आई थिंक थर्ड फोर्थ या सेकंड थर्ड में रहे होंगे, फोर्थ फिफ्थ में भी रह सकते हैं ठीक है, हम लोग भी स्कूलिंग में ही थे उस टाइम पर। तो कॉमनवेल्थ आया था उस टाइम पर इंडिया में, लेकिन भाई साहब इतना करप्शन करवा के गया, इतनी गवर्नमेंट की थुतु हुई वहां पर, और इतना करप्शन हुआ, मतलब गजबी करप्शन की है, गजब करप्शन किया लोगों ने, मतलब बहुत बड़ा घोटाला देखने को मिला था ये कॉमनवेल्थ गेम जब हुए थे इंडिया में, और घोटाला लेवल बताओ, घोटाले के लेवल जो रिपोर्ट बाद में आई है, पढ़ा है लोगों ने। अब जैसे कि मान लीजिए ये इसका स्विच खराब है, सपोज दैट इसका जो है स्विच खराब है, तो स्विच जो खराब है तो उन्होंने स्विच नहीं बदला है, अगर मैं बोलूं कि टीवी का क्या हो रहा है, स्विच खराब है, तो चाहते तो वो उसका स्विच 100 रुपए में बदल सकते थे या 200 रुपए में 500 में बदल सकते थे, नहीं पूरी टीवी उठा लो, नहीं इसको हटा दो,
तो रिपोर्ट में इन्होंने ये दिखाया बजट में कि हमने भाई पूरी पूरी टीवी खरीद ली, क्यों? क्योंकि उसका स्विच खराब था, समझ रहे हो आप? अब वहां पे जो मतलब कुछ वहां पे इंस्ट्रूमेंट वगैरह या कुछ एसीज वगैरह कुछ रूम्स में कुछ और चीजें जो किराए पे ली जाती हैं, रेंट पे ली जाती हैं, मतलब किसी चीज की एक्स ऑब्जेक्ट की जो कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट, मतलब टोटल कॉस्ट है मान लीजिए 1000 रुपए या 2000 रुपए की मिल रही है, टोटल कॉस्ट मिल रही है 2000 रुपए की मिल रही है, ठीक है? ये उसकी क्या है, कॉस्ट है, एक्स ऑब्जेक्ट की कॉस्ट है कि भाई आप नहीं खरीदोगे तो आपको 2000 मिलेगी, और उसी कॉस्ट की मतलब क्या है कि पर डे का रेंट जो जा रहा है, रेंट जाएगा कितना जाएगा, 500 रुपए जाएगा, रेंट जाएगा 500 रुपए, और कितने दिन के किराए पे लेके आ रहे हो, 10 दिन के लिए किराए पे लेके आ रहे हो, 10 दिन के लिए किराए पे लेके आ रहे हो, कितना हो गया भाई साहब, 5000 हो गया, मतलब 5000 में वो चीज 10 दिन रेंट पे रही है लेकिन 2000 में उसको खरीदा नहीं गया है, तो ऐसे तो उसकी रिपोर्टें बनी है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखते, ये हो गया आपका इंडिया में। चलिए इसके बाद आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप कहां पे होगी, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ये साउथहैम्पटन यूके 2021 में होगी। मेंस टी20 वर्ल्ड कप जो होगा, टी20 वर्ल्ड कप 2021 का, ये यूएई, ठीक है। मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2022 का कहां पे होगा, ये ऑस्ट्रेलिया में होगा, वैसे 2020 का था ये, फिर ये 22 हो गया, राइट, 21 हो गया, 2022 का कहां पर होगा, ऑस्ट्रेलिया में होगा। वुमेन्स वर्ल्ड कप कहां पे होगा, न्यूजीलैंड में होगा 2022 में। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप कहां पे होगा, ये वेस्ट इंडीज में होगा 2022 में। वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप जो होगा वो होगा कहां पर, ये वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका 2022 में होगा, और 2023 में इंडिया में क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा, क्रिकेट वर्ल्ड कप इंडिया में होगा कहां पर, 2023 में, ठीक है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी 2023 में होगी, राइट, तो क्रिकेट वर्ल्ड कप जो मेंस का होगा तैयार हो जाइए उसके लिए, ये कहां होने वाला है, इंडिया में होगा 2023 में, 2 साल के बाद, तब तक सेटल वगैरह हो जाइए, जॉब वगैरह ले लीजिए ताकि अच्छे से पैर फैला के बैठ के बिना किसी टेंशन के, पढ़ाई नहीं करनी है वो टेंशन छोड़ के आप बढ़िया मैच को एंजॉय कर पाए, राइट। चलिए फिर कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स की बात करते हैं, उनकी ऑथर्स की बात करते हैं, ठीक है, ऑथर्स की बात कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स जो न्यूज में रही है, राइट। चलिए बालाकोट एयर स्ट्राइक, हाउ इंडिया अवेंस्ट पुलवामा अटैक जो हुआ था, इसके जो ऑथर है वो कौन है, मनन भट्ट है, मनन भट्ट ने ये लिखा, राइट। इसके साथ साथ में माई ऑन मजगांव जो है आपका कैप्टन रमेश बाबू ने लिखा है, ठीक है। इसके साथ साथ में द अर्थ स्पिनर अनुराधा रॉय इसकी ऑथर रही है, एंड द एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट इन्होंने लिखा है, रिलीज बाय द वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू ने लिखा है इस बुक को, यहाँ पर एक्सेलरेटिंग इंडिया मतलब इंडिया क्या हुआ, एक्सेलरेट किया है 7 साल के मोदी के शासन में, राइट। चलिए द ड्रीम रेवोल्यूशन अ बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण की जो बायोग्राफी है द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन, ये लिखी है विमल प्रसाद एंड द सुजाता प्रसाद, ठीक है, बात क्लियर हो गई है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, यहीं से आगे देखते हैं। चलो द इंडिया स्टोरी इज रिटन बाय बिमल जलान एंड द स्ट्रेंजर इन द मिरर इज रिटन बाय द राकेश ओम प्रकाश मेहरा ऑटोबायोग्राफी एंड द बैंक विद अ सोल, ठीक है, इक्विटस, ये लिखी है डॉक्टर सी के गैरेली, अनवील्ड बाय द फॉर्मर आरबीआई गवर्नर डुबरी सबारो, ठीक है। और यहाँ पे याद रखिएगा होम इन द वर्ल्ड अमत सेन मेमोयर यहाँ पे क्या है, ऑथर है, राइट। चलो आगे देखते हैं, यहाँ से अगला देखते हैं पॉइंट, बिलीव व्हाट लाइफ एंड द क्रिकेट टॉट मी इज रिटन बाय द सुरेश रैना ऑटोबायोग्राफी एंड द 7 सेंस ऑफ बींग अ मदर, ये ताहिरा कश्यप खुराना लिखा है कि 7 सेंस ऑफ बींग अ मदर, माँ होने के 7 पाप। चलिए विल जो है, विल मतलब विल स्मिथ की ऑटोबायोग्राफी है, विल जो है वो विल स्मिथ की ऑटोबायोग्राफी है, एंड इट्स अ वंडरफुल लाइफ रस्किन बॉन्ड ने लिखी है यहाँ पर, इट्स अ वंडरफुल लाइफ, एंड फियर्सली फीमेल द्युति चंद स्टोरी ये है संदीप मिश्रा ने लिखी है, एंड अनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस रिटन बाय आरबी रविंद्रन एंड रिलीज बाय द सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमना ने, ये नोट कर लीजिएगा, एनवी रमना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने रिलीज किया था इसको, और आरबी रविंद्रन ने, ठीक है। चलो ऑथर थे आरबी रविंद्रन। आगे बढ़ते हैं दोस्त, अगला देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और, यहीं से उड़ीसा इतिहास लिखने वाले कौन है, उड़ीसा इतिहास जो लिखी है वो है उत्कल केसरी हरे कृष्णा मेहताब ने लिखी है यहाँ पर, उड़ीसा कौन सी, उड़ीसा इतिहास, एग्जाम वॉरियर्स यहाँ पर अपडेटेड वर्जन रिलीज बाय द नरेंद्र मोदी द्वारा रिलीज किया गया है, एंड डॉक्टर अम्बेडकर जीवन दर्शन, डॉक्टर अम्बेडकर व्यक्ति दर्शन,
डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्र दर्शन एंड द डॉक्टर अंबेडकर आयाम दर्शन, ये जो चार हैं वो लिखी हैं किशोर मकवाना, लॉन्च बाय द नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च की है। तो मतलब जीवन दर्शन के ऊपर, जीवन क्या रहा है उनका, तो जीवन दर्शन हो गया। व्यक्ति दर्शन मतलब यहाँ पे व्यक्ति कह सकते, राष्ट्र दर्शन उन्होंने राष्ट्र में क्या सहयोग किया, और यहाँ पर आयाम दर्शन, ठीक है। तो ये चार बुक्स जो है अंबेडकर जी से रिलेटेड, किशोर मकवाना, लॉन्च बाय द नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन, बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट व्हाट मी, ये तो हो गया, ये तो सुरेश रैना की ऑटोबायोग्राफी है। एंड द क्रिसमस पिग, क्रिसमस पिग इज रिटन बाय, क्रिसमस पिग इज रिटन बाय, रिटन बाय आपका हो गया जेके रॉलिंग। एंड द लिविंग माउंटेन इज रिटन बाय अमिताभ घोष। एंड द एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस इज रिटन बाय अनिंद्य दत्ता, अनिंद दत्ता ने लिखी है। एंड इसके साथ साथ में जो बिडन, अमेरिकन जो ड्रीमर बुक है यहाँ पर, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट में जो बिडन, इन्होंने लिखी है। एवन ऑस्नोस, एवन ऑस्नोस लिखी है, राइट, एवन ऑस्नोस, क्लियर हो गई ये चीज। चलिए एवन ऑस्नोस भी हो गया यहाँ पर। अगली कुछ बुक्स हैं आपके सामने, वो हैं, ये तो मैं लिखवा चुका हूं आप लोगों को, अमेरिका जीवन दर्शन, ठीक है। कुछ ओबचुरीज हुई है इंडिया में, इंपोर्टेंट ओबचुरीज देख लीजिए आप, इंडियन ओबचुरीज, ठीक। कल्याण सिंह जो है आपके, वो नहीं रहे हमारे बीच में, फॉर्मर जो उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर रहे और राजस्थान के गवर्नर भी रहे कल्याण सिंह, ठीक है। तो आपसे यहाँ सवाल कैसे बनेगा, वो ये बन जाता है कि दिस पर्सन हु रिसेंटली डाइड इन द ईयर 2021 हैज बीन बिलोंग टू विच फील्ड, या कौन से फील्ड या कौन से क्षेत्र से यहाँ पे बिलोंग करते थे, ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो आ जाएगा आपका कल्याण सिंह आ जाएगा, राइट, कल्याण सिंह हो जाएंगे आपके उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर एंड द गवर्नर ऑफ राजस्थान। उसके बाद माकी काजी, माकी काजी जो है वो आपके सुडोकू के गॉडफादर रहे, सुडोकू के गॉडफादर रहे, वो कौन रहे, माकी काजी रहे। तो यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि हु इज द गॉडफादर ऑफ सुडोकू, ठीक है, रिसेंटली द गॉडफादर ऑफ सुडोकू हैज बीन डाइड, व्हाट इनका नाम क्या है, ऐसे पूछ सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट आता है चित्रा, चित्रा एक मलयालम एक्टर है, ये भी आपकी हमारे बीच में नहीं रही है, मलयालम एक्टर चित्रा। तो ये इनका जो फील्ड हो गया वो क्या हो गया, एंटरटेनमेंट से हो गया आपका। सैयद साहिद हकीम, सैयद साहिद हकीम ये हो गए आपके फॉर्मर नेशनल फुटबॉल प्लेयर, फॉर्मर नेशनल फुटबॉल प्लेयर हो गए आपके सैयद साहिद हकीम, ठीक है। टेड डेक्स्टर, टेड डेक्स्टर जो है वो आपके फॉर्मर इंग्लैंड कैप्टन, फॉर्मर जो इंग्लैंड कैप्टन है टेड डेक्स्टर, ये भी नहीं रहे। एंड बासु परंजापे जो है वो रिनॉन्ड क्रिकेट कोच रहे, ये भी हमारे बीच में नहीं रहे। एंड बुद्धा देव गुहा, एक राइटर हुआ करते थे बुद्धा देव गुहा, बहुत बढ़िया राइटर है गुहा साहब, वो भी नहीं रहे यहाँ पे, ठीक है। चलिए तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं, उनसे जो रिलेटेड फील्ड है ये पूछा जाएगा एग्जाम में। कुछ और भी है वो भी देख लीजिए एक बार स्पीड में। चलिए रिचर्ड डोनर, ये क्या है, फिल्म मेकर है, मतलब इनका जो 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 क्या शख्सियत है, पर्सनालिटीज है, वो फिल्म मेकिंग है। एंड दिलीप कुमार लेजेंडरी फिल्म एक्टर रहे हैं, ये भी हमारे बीच में नहीं रहे। केशव दत्त इंडियन हॉकी लीजेंड रह चुके हैं। वीरभद्र सिंह ये फॉर्मर हिमाचल प्रदेश के सीएम एंड द कांग्रेस लीडर रहे हैं। जवेनल मोल्जे यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ हाइती। डॉक्टर पी के बैरियर वेटरन इंडियन आयुर्वेदा मेडिसिन डोएन एंड द प्रैक्टिशनर रहे हैं ये। यशपाल शर्मा फॉर्मर इंडियन मिडिल ऑर्डर बैट्समैन रहे हैं यशपाल शर्मा, ये भी हमारे बीच नहीं रहे। एंड ममनून हुसैन इज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, राइट। एंड एस रामाकृष्णन इज द वेटरन एक्टर, एस रामाकृष्णन, ठीक है, एस रामाकृष्णन, क्लियर हो गई ये चीज। तो इनके क्या हो गए, फील्ड हो गए यहाँ से। चलिए आगे देख लेते हैं, राधा मोहन ये कब क्या आपके क्या है, ये एक एनवायरमेंटलिस्ट थी, एनवायरमेंट से थी। या पद्मश्री अवार्डी प्रोफेसर हैं, ये भी हमारे बीच नहीं रही हैं। संचरी विजय ये किससे रिलेटेड है, ये नेशनल अवार्ड विनिंग कन्नड़ा एक्टर है। एंड रघुवीर सिंह ये महावीर चक्र रेसिपिएंट ब्रिगेडियर है यहाँ पर, ये आर्मी से रिलेटेड है, सेना से। निर्मल मिल्खा सिंह जो है फॉर्मर इंडियन वॉलीबॉल कैप्टन रही है, वाइफ ऑफ मिल्खा सिंह की रही है, तो ये इंडियन वॉलीबॉल की कैप्टन थी है निर्मल मिल्खा सिंह, और मिल्खा सिंह की वाइफ भी रही है, ठीक है, तो ये भी अभी नहीं रही है। चंद्रशेखर वेटरन बॉलीवुड एक्टर चंद्रशेखर, ये भी नहीं रहे हैं। आपका समन मित्रू एक्टर सिनेमाटोग्राफी में, ये भी नहीं रहे। मिल्खा सिंह जो हैं वो भी आपके क्या हुए, इसी साल ही इस दुनिया से चले गए, ये से एथलीट थे यहाँ पर। कनेथ कौंदा जाम्बिया के पहले प्रेसिडेंट हैं, ये भी नहीं रहे। राज कौशल एड फिल्म मेकर थे, राज कौशल, ये भी नहीं रहे। और शिवान सिनेमाटोग्राफर एंड द डायरेक्टर, ये भी हमारे बीच नहीं रहे, ठीक है। तो ये हो गया आपका, बात हो गई ओबचुरीज की, एक पेज और बचा हुआ है, ठीक है, और ये आपका लास्ट पेज है आज का, ठीक। पर्सन एंड द अबाउट, चंद्रो तोमर शूटर एंड द निकनेम दैट द शूटर दादी, एक मूवी भी इनके नाम पे बनी है, सांड की आंख, याद रखिएगा, ये भी हमारे बीच नहीं रही। ओलंपिया डुकेकिस ऑस्कर विनिंग वेटरन स्टेज एंड द स्टीन एक्टर है, वो भी नहीं रही है।
कनुप्रिया टीवी एक्टर एंड द एंकर रह चुकी हैं। सोली सौरभ जी ये रिलेट करती हैं किससे, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एमएनएस जुरिस्ट भी रही हैं और फॉर्मर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी रही हैं सोली सौरभ जी। एंड द विक्रमजीत कन्वरपाल ये एक्टर रह चुके हैं। एंड दिलीप कुमार बोस वेटरन फुटबॉल एडमिनिस्ट्रेटर एंड द हिंदुस्तान फाइनेंस कमीशन ऑनर, ये आपके हो रहे हैं दिलीप कुमार बोस। एंड द पंडित देव व्रत चौधरी आपके ये सितार मशहूर रहे हैं, सितार वादक रहे हैं, तो संगीत से इनका संबंध है। तो ये तो थी आपके कितने आपके ना हो गए, आपके ओबिचुरीज हो गई, आपके पर्सन उनके बारे में क्वेश्चन जो बनेगा आप उनका फील्ड से रिलेटेड बनता है कि भाई इनका क्या फील्ड है, इनका क्या फील्ड है या ये किस फील्ड से है, ठीक है बात। तो आई होप आप लोगों के लिए काम आएगा और कल कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं स्टडी जीके और करंट अफेयर्स के मिला के उसके साथ मिलेंगे कल। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना और अपने घर वालों का। चलिए बाय बाय।